आपका स्वागत है। मैं आज जा रही हूँ, मतलब जा नहीं रही हूँ, आई हूँ अपने गांव। तो आज मैं आपको मेरे गांव का विलेज टूर करवाने वाली हूँ। अभी मैं सूरत से मूर्तिजापुर स्टेशन आ गई हूँ। अब चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मेरे गांव। तो अब हम स्टेशन से बाहर आ गए हैं और हम जाने वाले हैं ऑटो में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये ऑटो में जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे गांव जाने के लिए बहुत रेयर बस मिलती है। जैसे तीन ही दिन में तीन ही टाइम जाती है, सुबह और दोपहर को 3 बजे या समथिंग, एंड शाम को 6 बजे। तो जाना तो इससे ही पड़ता है और ये भी जल्दी निकलता नहीं है। तो गाँव में थोड़ी ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये जो ऑटो है ना, ये भी भर भर के निकलता, कोई ऐसा लटकता कोई वैसा लटकता। तो चलो मज़ा आती है, गांव बोले मतलब एडजस्टमेंट तो थोड़ा करना पड़ेगा और मज़ा भी आती है गांव में। तो मेरा गांव तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है और मैं 6 या 7 महीने के बाद अपने गांव जा रही हूँ। तो चलते हैं और इन्जॉय। अब मैं अपने गांव पहुंच गई हूं और मेरे गांव के एंट्रेंस में ही ये अमर शहीद का स्टैचू है और उसके अपोजिट में महाराज शिवाजी महाराज का। तो चलो देखो, चलो मेरा भाई भी आ गया है तो हम अब घर पे जाते हैं और मैं आपको अपना घर दूँ। मैं अपने घर आ गई हूँ। चलो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। छोटा है, गांव का घर तो आपको पता है कैसा रहता है, बट बहुत प्यारा है। ये देखो, ये मेरा घर है। तो अभी घर पे कोई नहीं क्योंकि मेरी बहन की शादी है, तो सब वहाँ पे गए हैं। शादी मतलब वो शादी से पहले होता है ना, नहलाना वगैरह, हमारा हल्दी नहलाना ये सब। तो चलो हम भी वहाँ पर चलते हैं। तो गाँव में तो मज़ा ही आती है क्योंकि गाँव का एटमोसफियर ही कुछ अलग है। मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी गांव में आती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा गांव वालों जैसे ही रहूँ, जैसा देश वैसा भेस। चलो तो ये लोग ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे खींच के लेके आए, इस वजह से मेरा घर का ब्लॉग रह गया, मतलब घर दिखाना रह गया मेरा। तो चलो कोई बात नहीं, चलो हल्दी इंजॉय करो। देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे हल्दी कैसे सेलिब्रेट होती है। हल्दी का प्रोग्राम तो आप देख ही रहे हो, सब लोग भीग गए क्लिप में, आपने देखा ही होगा किस तरह से हमारे यहाँ पे भिगाते हैं हल्दी के प्रोग्राम में। और आपको दुल्हन दिखाती हूँ, ये रही दुल्हन, दिखेगी नहीं, ये तो मेरा भाई भी भीग गया है। तो इस माहौल में मैं पूरी तरह गीली हो चुकी थी और प्लस मेरा मोबाइल भी गीला हो चुका था, इसलिए मैं आगे का ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आगे की वीडियो के लिए बने रहना और ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।